प्रियंका और सुम्बुल। जी हाँ, क्या होगा जब ये दोनों आएंगे आमने सामने। सच से आई है बड़ी अपडेट। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं पीपा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से एकता कपूर जब सीजन 15 में आई थी तो उन्होंने तेजस्वी प्रकाश को नागिन के लिए चुना और तेजस्वी ने काफी कमाल किया और इस सीजन जो नागिन का 6th सीजन था अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को पसंद आया। कल के एक पोस्ट के जरिए एकता कपूर ने फिर से बताया कि अब वो इस सीजन भी आने वाली हैं, यानी कि वीकेंड के वार में आने वाली हैं और वहाँ पर वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए साइन करेंगी, मतलब किसी न किसी को चुनेंगी, ये हिंट दिया उन्होंने। तो अब जो खबर आ रही है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रियंका को साइन कर लिया गया है ऑल्ट बालाजी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि मूवी के लिए प्रियंका को चुन लिया गया है। और दूसरी तरफ सुम्बुल को चुना गया है नागिन के लिए। जी हाँ, नागिन के नेक्स्ट सीजन के लिए सुम्बुल को चुना गया है और सुम्बुल या फिर दोनों, यानी प्रियंका और सुम्बुल दोनों। तो सोचिए अगर ये खबर सच्ची है, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा जब सुम्बुल और प्रियंका होंगी आमने सामने। वैसे तो इनके बीच में हमने लड़ाइयाँ भी देखी हैं, एक दूसरे को समझाना संभालना ये भी हमने देखा, लेकिन क्या होगा जब दोनों आमने सामने होंगे, तब शो का जो रिस्पॉन्स है, जो TRP है, वो कितना हाई जाएगा, क्योंकि दोनों की फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। तो दोनों के जब फैंस एक साथ मिल जाएंगे तब तो भाई TRP के मामले में तो सारे रिकॉर्ड टूट देगा नागिन का नेक्स्ट सीजन। आप सभी को क्या कुछ है लगता है, क्या आप इन दोनों को देखना चाहते हैं आमने सामने नागिन के नेक्स्ट सीजन में, या फिर आपको लगता है कि नहीं प्रियंका को मूवी करना चाहिए और जो सुम्बुल है उनको नागिन करना चाहिए, या फिर सुम्बुल को मूवी करना चाहिए और प्रियंका को नागिन। जो भी आप सभी की राय है, जो भी आपको लगता है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हम एक्चुअल प्रोमो के लिए, एपिसोड के लिए वेट करेंगे जहाँ पर एकता कपूर खुद सामने से ये बात कहती है और रिएक्शन देखना है प्रियंका का और सुम्बुल का जब ये बात, ये ऑफर प्रियंका और सुम्बुल को देती है। लेट्स सी क्या होगा। आप अपनी राय तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फोर्स।